So good afternoon everyone, welcome to today's maths class. As you already know कि last class में हमने 13.1 खत्म कर दिया था, right? तो आज हम पहले क्या करेंगे? बोलो 13.2, correct? So आज की class में हमारा होगा पहले 13.2, Wednesday we will start 15.1, Thursday we will do 15.2, right? Friday we will start 16.1, तो 16.2 के लिए शायद Sunday class लेना पड़ेगा. Is this clear everyone? या फिर अगर हर रोज हमने थोड़ा 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 एक्स्ट्रा पुश किया 15 minutes, तो संडे क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? Because Sunday I have to take class of 1 hour. If we take 4 days 15 minutes extra, then that will be compensated, right? So today we will try to finish 13.2 as well as we will try to start 15.1 as well. Okay, is this clear everyone? बोलो हाँ. Yes sir. Yes. Now Tejas is asking when will our class correction classwork correction begin. Tejas, वो सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि उससे स्कूल से मैनेजमेंट से हमें बहुत सारे परमिशन लेनी पड़ती है. तो जैसे जैसे सारी चीजें हमें मिल रही है वैसे वैसे शुरू हो रहा है. एज ऑफ नाउ इफ आई टेल यू फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड टेकिंग एग्जाम इन स्कूल बिकॉज हमें उनकी परमिशन मिल गई है. तो क्लास 12 स्टूडेंट्स का वहाँ पे अभी एग्जाम चल रहा है. स्कूल में हम एग्जाम लेते हैं एवरी संडेज एंड थर्सडेज. कंप्यूटर लैब में वो एग्जाम देते हैं बाहर बैठ के एग्जाम देते हैं. बाहर मींस क्लासरूम में जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, जेईई एंड नीट, दो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, राइट? आफ्टर दैट फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स वी हैवंट गॉट एनी परमिशन येट. तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स स्कूल में जा रहे हैं, उन्हीं से उनके आंसर शीट लेके वहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ. नॉट आंसर शीट बट एग्जाम नोटबुक्स, राइट? एंड नोटबुक्स के बाद आंसर शीट भी हम उसी तरीके से उनका कलेक्ट करने वाले हैं. सो नेक्स्ट संडे तक 10th का खत्म हो जाएगा, फिर वहाँ से 11th 12th का शुरू होगा, राइट? सो 11th 12th नॉट करेक्शन उसके नेक्स्ट वीक चल सकता है एंड वहाँ पे पीटीएम है 11th 12th का. फिर उसके नेक्स्ट संडे पीटीएम होगा आप लोगों का 8th 9th. नाउ आई एम इन विद्यानगर ओनली, राइट? तो ये 24th जनवरी आपका पीटीएम होगा 8th 9th का, उसके आसपास आपका नोटबुक करेक्शन स्टार्ट होगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो बी कीप दिस इन योर माइंड. नियरली अबाउट एट 24th जनवरी यू हैव टू सबमिट. एंड जो ये लास्ट चैप्टर्स हैं, राइट, जो लास्ट चैप्टर्स हैं उनका होमवर्क नहीं होगा तो चलेगा. उनमें एटलीस्ट क्लास वर्क में मैंने आपको जितना लिखा रहा हूँ उतना होना चाहिए, राइट? क्योंकि उसका होमवर्क के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि वो आप 31st जनवरी के बाद करोगे तो चलेगा, ओके? क्योंकि आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो. पीटीएम विल बी ऑनलाइन ओनली. ऑफलाइन पीटीएम की अभी तक हमें परमिशन नहीं है. ऑफलाइन क्लास की परमिशन नहीं है, पीटीएम बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट? चलो नाउ सो तेजस कैन यू टाइप योर डाउट वन मोर टाइम. आप कौन सा डाउट पूछ रहे थे, कौन सा क्वेश्चन? लेट मी इम्पोर्ट दैट क्वेश्चन. सर द टेस्ट वॉज वेरी हार्ड. हाँ आदर्श, एग्री, ये संडे वाली टेस्ट बहुत हार्ड थी, आप उसे इग्नोर करो. मतलब जो सैटरडे मैंने अनलॉक कर दी थी तो वो बहुत हार्ड थी. बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे थे जो आप क्लास 8 में पढ़े ही नहीं हो. तो LMS वाली टेस्ट को अभी के लिए आप इग्नोर ही करो, राइट? क्वेश्चन 7, राइट तेजस? लेट मी शो यू दैट. 8 and 13, क्योंकि अभी जो आपकी एग्जाम होगी आप उस पर ज्यादा टारगेट करें. चलो 8M 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्विकली, फिर हम 8M 13.2 शुरू करते हैं. नाउ कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन? राइट, संडे की टेस्ट हार्ड थी मैथ्स की, बोलो सबके लिए. बहुत ही कम 3 नंबर 4 नंबर ऐसे ही मार्क्स आए होंगे, राइट? भूमिका, चलो उसे इग्नोर करो अभी के लिए, डोंट वरी, क्योंकि उतना देखने की जरूरत नहीं, उतना ना ही हमारे पास टाइम है. जो आपकी हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे गूगल क्लासरूम में उस पर फोकस करना एंड सब्जेक्टिव एग्जाम. चलो ग्रेट शिवांश, दैट इज गुड स्कोर. अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 60,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया? समझ रहे हो,
जब बैक्टीरिया की एक इमेज को आप 60,000 टाइम्स एनलार्ज कर रहे हो, देन इट इज ऑफ ओनली 3 सेंटीमीटर, तो ओरिजिनल कितना होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फर्स्ट टेल मी दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट? जितना आप एनलार्ज करोगे उतना बड़ा दिखेगा, राइट? एंड जितना आप एनलार्ज कम करोगे उतना छोटा दिखेगा. इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज टू 1,000 times, राइट, दिस इज ओनली 1,000 times, वॉट विल बी द एनलार्ज लेंथ? तो एनलार्ज लेंथ क्या होगी? सी हियर अगेन वी नीड टू टेक टू वेरिएबल्स, राइट, लेट एक्स एंड वाई. एक्स इज योर एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, and y is your enlarged length of bacteria. Okay, a photograph of bacteria enlarged 60,000 times, right, to attain a height of 3 cm. So agar aap x y ki alag alag value dekh rahe ho, suppose इनिशियल वैल्यू है उसका 1, क्योंकि एनलार्ज 60,000 टाइम्स मींस 1 को आप 60,000 तक एनलार्ज कर सकते हो. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? अगर वो इनिशियल लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो वो 60,000 है, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड इट इज अटेनिंग अ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, सो दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, सो यू नीड टू फाइंड इट्स एक्चुअल लेंथ. इसको मैं एक्स नाम दे दूँ या एक्स टू नाम दे दूँ या सपोज ए रख दूँ यहाँ पे? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरी वन. ओके समर्थ, we'll check that. First, यहाँ तक clear है? You can tell me yes, everyone. बोलो हाँ, जल्दी 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 जल्दी. Correct. Now here, since the given data is in direct proportion, one by 60,000 is equal to a by 3. Are you getting my point, everyone? Yahan tak clear hai, right? Piyush, Samarth, Gauss, jin students ka video off hai wo, Samarth, Safwan, Pranjan, Jalin, Amruta, Sanvi, Farhan, Varsha, clear hai na? Rajat? Yes sir. Great, great. Now from here, if we are going to make subject as A, A will be 3 divided by 60,000. 3 2s are 6. 1 divided by 20,000 centimeter. Samajh rahe ho? Jo aapke paas 1 centimeter scale mein dikh raha hai, wo 1 centimeter ke 20,000 aap parts karoge, tab jaake aapko bacteria milega. Are you getting my point, everyone? Right? Ab isse aap kaise likh sakte ho? See. So 1 upon 2 into 10 to the power 4 लिख सकते हो पहले, 1, 2, 3, 4, am I correct? हाँ या ना? 10 to the power 4 ऊपर आएगा, that will be your 10 to the power minus 4, 1 half will be 0.5, 0.5 into 10 to the power minus 4 centimeter, and in point, अगर decimal right side जा रहा है, right? अगर वो 5.0 लिख रहे हो, बोलो, 10 की power में क्या फर्क होगा? Will it be minus 1 or plus 1? जितने places right side जा रहा है आपका decimal, बोलो, right side, प्लस या माइनस? नंबर लाइन पर राइट साइड पे क्या होता है? माइनस. यस, नंबर लाइन पे प्लस होता है, बट यहाँ पे हम करेंगे माइनस. सो 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 1 सेंटीमीटर. यस, वेरी गुड वर्षा. सो द इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर. यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. यस सर. तो ये हो गई आपके बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? डेफिनेटली आई कैन रिपीट, क्योंकि अभी तो इसका सेकंड पार्ट भी बाकी है. See, here it was given that a photograph of bacteria,
a photograph of bacteria enlarged 60,000 times. So, if you have 60,000 times enlarged, kar rahe ho, attains a length of 3 cm. Right? Suppose original length hai A, wo attain kar rahe 3 cm. What is the actual length of bacteria? So, bacteria ki actual length kya hogi? Here, 1 by 60,000 is equal to A by 3. 1 by 60,000 equal to A by 3. Am I correct? Please give me some response. So, yahan aapka A kya ho jayega? A will be 3 divided by 60,000. So, it is 3 by 2, 1 by 20,000, 1 by 2 as it is, 10,000 ko main likh sakta hun, 10 to the power 4. 1 by 2 is nothing, yeah, yawning. 1 by 2 is 0.5, 10 to the power 4 upar aayega to kya ho jayega? 10 to the power minus 4, am I correct? 0.5 into 10 to the power minus 4. After getting this 0.5 into 10 to the power minus 4, agar decimal aapka us taraf ja raha hai, that will be 5.0. 5.0 into 10 to the power minus 4 minus 1, kyunki agar wo right side ja raha hai ek place, to udhar minus 1 hoga. 10 to the power minus 4 minus 1 is 10 to the power minus 5. So this is nothing but 5 into 10 to the power minus 5 centimeter. Clear hai? Jai next. Sprite. Clear. Now, if the photograph is enlarged 1000 times, what will be enlarged length? But Samarth is telling ki 10,000 hona chahiye kyunki jo piche answer diya hai wo match nahi kar raha, right Samarth? Piche ke answer diya hai? What is the answer which is given to in or given in the back of module? Because yahan pe do cheeze thi jab last time bhi main question kar raha tha. So for here 1000, whether they are enlarging from here only, that for 3 cm jo data aapko usi ko aap 1000 times enlarge kar rahe ho, ki jo original hai usko 1000 time kar rahe ho ya 10,000 time kar rahe ho? Can you tell me what is the given answer? Everyone just check and tell me quickly. 0.5 is only given. Okay, then it should be 10,000. Yes. Yahan pe question mein galti hai. It should be 10,000. Okay. Chalo. To ab yahan aapko likhna padega. Ye second case. Ye first case aapka ho gaya. Aisa hi second case aapko karna padega. Jahan pe 1 upon 60,000 ki jagah ab aapko diya gaya hai 1 upon 10,000. Right, so you can write this as case 1, here case 2. But for case 2, now you are knowing its original length or original size. आप उसका 60,000 के साथ भी रेशियो ले सकते हो कि अगर वो 1 से 10,000 आप कर रहे हो तो ओरिजिनल है आपके पास 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, वो अब क्या हो जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 60,000 तक वो 3 सेंटीमीटर हो रहा है तो 10,000 में कितना होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट, जो भी आपको ठीक लगे. सो इसको आप ले सकते हो. सपोज बी, व्हाट यू हैव टू फाइंड. So 1 upon 10,000 is equal to 5 into 10 to the power minus 5 divided by b. So b into 1 is equal to 5 into 10 to the power minus 5 into 10,000 is 10 to the power 4. So b is equal to 5 into 10 to the power minus 1. B is equal to 0.5 centimeter. फटाफट नोट डाउन कर दो. डू इट क्विकली सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इनवर्स प्रपोर्शन. ओके रोहन, फर्स्ट केस वापिस रिपीट करूं? वेट,
सी फर्स्ट केस में आपको क्या दिया गया था कि अगर आप बैक्टीरिया की लेंथ को एनलार्ज कर रहे हो 60,000 टाइम्स तो उसकी लेंथ हो रही है 3 सेंटीमीटर. सो व्हाट विल बी द एक्चुअल लेंथ. दैट मींस व्हेन यू आर सीइंग द स्केल एज 60,000 टाइम्स, जो चीज़ 1 सेंटीमीटर की उसको आप 60,000 करके देख रहे हो तो बैक्टीरिया 3 सेंटीमीटर का दिख रहा है. तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो गिवन डेटा आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, सो यर 1/60,000 इक्वल टू ए बाई 3, यू कैन मेक ए एज सब्जेक्ट, ए इक्वल टू 3/60,000. सो 1/20,000, 1/2 इंटू 10^4, 0.5 इंटू 10^-4, 5 इंटू 10^-5. क्लियर? रोहन, सांकेति, समझ जाए? नेक्स्ट. धीरे धीरे सबने अपना वीडियो ऑन करके सो रहे हैं, नहीं चलेगा. मधुसूदन पता चल रहा है ना? सानवी, फरहान, भूमिका, निकिला नहीं है आज? निकिला नहीं है शायद. जैलिन पता चल रहा है? यस, निकिला इज एब्सेंट टुडे. क्लियर सर. ओके, यस रोहन. हाँ ओके रोहन, आप मुझे पता चला दैट व्हाई वी आर टेकिंग वन हियर. सी रोहन, जब भी हम स्केल लिखते हैं राइट, व्हेनेवर वी आर राइटिंग स्केल व्हाइल ड्राइंग ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हाउ वी आर राइटिंग दैट आई एम टेकिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ऑफ 5 रुपीज. ओके भूमिका, गॉट इट. हाँ या ना एवरीवन? तो 1 सेंटीमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे आप मैप के बारे में स्केल लेते हो तो बाहर 10 किलोमीटर है, वो 10 किलोमीटर को हम मैप में दिखाते हैं 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एवरी टाइम स्केल इज टेकन विथ रेफरेंस टू वन ओनली. जैसे यहाँ पे 60,000 टाइम एनलार्ज कर रहे हैं, सो दैट 60,000 इज विथ रिस्पेक्ट टू दैट वन ओनली, दैट वन इज बींग एनलार्ज टू 60,000. ओके, वन अगर वो लेंथ 1 सेंटीमीटर है, वो 60,000 सेंटीमीटर हो रही है, तब वो 3 सेंटीमीटर दिख रहा है लाइक दिस. ओके, सो जब ये क्वेश्चन अब सबको पता चली गया है, सो लेट अस स्टार्ट अवर 13.2 विच इज इनवर्स प्रोपोर्शन. तो अगर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्लियर है तो इनवर्स प्रोपोर्शन और जल्दी क्लियर हो जाएगा राइट. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको रिवाइज कर देते हैं क्विकली. वॉट वी लर्न इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स, 13.1, रिमेंबर इफ टू क्वान्टिटीज ए एंड बी आर सच दैट whether they are increasing or decreasing simultaneously in such a way that a1/b1 equal to a2/b2, this is called your direct proportion. Am I correct? And yahan pe jo aapka ratio constant hai use aap kb naam de sakte ho, that a1/b1 equal to a2/b2 equal to k. So a equal to kb, a1 equal to kb1, a2 equal to kb2. Is tarike se aap aage badh sakte hain. Proportionality ka symbol kya hai yahan pe? A is proportional to b, right? A proportional to b. That is the symbol of proportionality here. Is this clear? You can tell me yes, everyone. Right. A proportional to B. In the same way, yahan pe, see this one. If here. If we have to see what is about inverse proportion, लिखते ही जाओ मेरे साथ साथ, हम यहाँ पर थोड़ा टाइम बचा सकते हैं. If one quantity increases and other quantity decreases in such a way that if one quantity increases and other quantity decreases in such a way that product of both quantities remains same, then they are said to be in inverse proportion.
पहले फटाफट लिख दो फिर समझाता हूँ. नोट डाउन दिस एवरीवन. एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, किस तरीके से कि दोनों का प्रोडक्ट रह रहा है सेम. जैसे ही हो जाए मुझे पता तो. हो गया, लिख दिया. चलो समझो, लेट मी गिव यू दिस वन एग्जांपल. दिया दो क्वांटिटीज हैं एक्स एंड वाई. सपोज फर्स्ट क्वांटिटी इज 10 यूनिट्स, अदर क्वांटिटी इज 3 यूनिट्स. अब ये 10 आपका डिक्रीज होके हो रहा है 5. कैन यू सी दिस? राइट, 10 डिक्रीज हो गया, 3 इंक्रीज होके हो रहा है 6. Can you tell me what is the product of both of them in both the cases? So here, x into y is equal to 10 into 3 is equal to 5 into 6. All are same. 10 3 is 30 होता है, 5 6 भी 30 होता है. बोलो हाँ, yes or no? नहीं सर, क्या झूठ बता रहे हो, 5 6 तो 50 होता है. हाँ, seriously? 5 6 50 होता है. Yes, 30 only, right? So here x and y are said to be in inverse proportion. So here I can say that if I write in a1 b1 term, a1 into b1 equal to a2 into b2. जैसे direct proportion में हम क्या लिखते थे, a1 by b1 equal to a2 by b2. Here a1 into b1 equal to a2 into b2. वहाँ पे हम a1 by b1 equal to a2 by b1 को k लेते थे, याद करो. यहाँ पे a2 into b2 को मैं k ले सकता हूँ, yes or no? फिर वहां पे हमने सिंबल भी देखा था. सो हियर आई कैन से a इंटू b इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो अगर आप a को सब्जेक्ट बनाओगे तो a इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/b, क्योंकि b उधर मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो a इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/b. नाउ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे आप प्रोपोर्शनल डेटे लिख सकते हो. राइट, समझो यहाँ पे, लिखना बंद पहले समझो, अभी लिखना बंद. इक्वल टू k को मैं प्रोपोर्शनलिटी बोल सकता हूँ. राइट शिवांश, कैन आई राइट इक्वल टू k इज प्रोपोर्शनलिटी, जो मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में भी. So equal to k is proportional. So a is proportional to 1 upon b. A is proportional to 1 upon b here. A is proportional to 1 upon b. Yes, symbol is same for both the cases, direct and inverse. बस आपको ये चेक करना है कि डायरेक्ट में क्या है, इनवर्स में क्या है. डायरेक्ट में a is proportional to b, in inverse a is proportional to 1 upon b. That's it. That is inverse of B. Right? A is proportional to inverse of B. That's why it is called proportional. क्योंकि दोनों में ये proportionality का symbol है. अब वो direct है कि inverse है, वो आपको check करना है. If it is only B, it is direct proportion. If it is 1 upon B, it is inverse proportion. Can we say b proportional to 1 upon a? Definitely. जैसे a proportional to b को आप b proportional to a लिख सकते हो. यहाँ पे you can also say b is proportional to 1 upon a. Now see here, one more thing I'd like to tell you. इसको पूरा compare करते हैं हम direct proportion के साथ, right? साथ में. चलो direct proportion में हमने क्या देखा था? See, what is the first case between direct and inverse proportion? Right? Let us write the difference. आप डिफरेंस लिखते हो ना ऐसे साइंस में, राइट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, आया ना सर? प्लांट प्लांट होता है, एनिमल एनिमल होता है. ठीक है,
And this is your inverse proportion. Plant has roots. Animal is not having roots. ऐसा सब लिखते थे आप? कि और कुछ? Animal has tails. अच्छा. Animal has so many tails. Plant is not having any tails. मार्क्स मिल जाते थे ये सब लिखने पे? कुछ बोलते नहीं थे आपको टीचर? क्लास में आके ऐसे स्टूडेंट्स की आंसर शीट के ऊपर मतलब सबको नहीं सुनाया जाता था? टेल मी. हमारे क्लास में तो ऐसा बहुत होता था जब मैं आपके जैसा था. नाउ सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल क्या है? सी, इन इनवर्स प्रोपोर्शन इफ एक्स इंक्रीजेस then y decreases. Are you getting my point? Or x decreases, then y increases. If x decreases, y increases. X increases, y decreases. Okay, we are telling only in first standard they accepted these answers, okay? There was no question like this. Seriously, ऐसा कोई question नहीं था. तो कौन कौन सा difference आप पढ़ चुके हो? Okay, differentiate between these two. ऐसा कुछ science में? Now, see direct proportion, right? In direct proportion, if x increases, then y increases. If x decreases, then y decreases. Oh, biodegradable and non-biodegradable. सही है. वो तो सबको पढ़ाना ही चाहिए. सफवान, आर यू देयर? यस. प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, डेफिनेटली. अ पर्टिकुलरली कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, राइट? मैं खुद उठा के निकाल रहा हूँ एंड फिर रख रहा हूँ तो चलेगा. केजीएफ 2 का तो सबने देख लिया होगा टीजर, राइट? हॉपी कैसे फॉर्म में आ गए एकदम. इससे पहले तो हाँ ना हाँ ना कुछ नहीं. अरे हाँ सर, केजीएफ 2 तो यस तो हमारे बाजू में ही रहता है. हाँ, जब ट्रेलर आया था तभी हमने पूरा देख लिया था. अभी सबको पूछो कितनी कितनी बार देखा है. मिनिमम सब लिखेंगे 10, 15, 20. a1 by b1 = a2 by b2, which is equal to k. So here a by b = k. So in inverse proportion, product is constant. In direct proportion, the division is constant. Here a into b = k. Here a by b = k. So we can write a = kb or a proportional to b. तो ये difference clear है सबको, everyone? ये difference important है. ये पूरे chapter के लिए अगर आपको ये difference आ गया तो आपका काम बन गया, right? Note down this quickly. ये difference लिख दो जल्दी 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 जल्दी. Do it quickly. हो गया? हो जाए तो मुझे बता दो. चलो, नाउ लेट मी शो यू द कॉन्सेप्ट्स गिवन टू यू इन योर मॉड्यूल. फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं.
Can you say this, everyone? 8m 13.2 inverse proportion on screen. You can tell me yes. Now see here. Two quantities A and B are said to be in inverse proportion if A increase in A cause a proportional decrease in B and vice versa in such a manner that the product of their corresponding values remain constant. That is A into B equal to K. जो मैंने already आपको समझाया, जैसे आप बोल सकते हो A is proportional to 1 by B as well. A1 by A2 equal to B1 by B2 or A1 by B1 equal to A2 by B2. As for example, time taken to cover a distance is inversely proportional to speed. Sure. So speed equal to distance by time, that you already know. Hi Anna, everyone. Now time taken to cover a distance is inversely proportional. That means yahan pe wo distance ko constant rakh rahe hain. Hi Anna. To cover a distance, that means distance is constant. Please give me some response. As for example, suppose ab mujhe mere vehicle se mere ghar se jana hai school. Right? So this is my home. This is school. The distance between home and school is fixed or not? Yes or no? Generally, if I am going to normal speed, if I am going in normal speed in my bike, in 5 minutes I can reach there, or in 10 minutes I can reach there, right? With normal speed, which is 30 kilometer per hour. Okay. If I have to reach school in 5 minutes, I have to increase my speed or not? Broom, broom. Am I correct? Yes or no? Because if, right? हाँ, अगर ये 10 minutes से मुझे 5 minutes में पहुंचना है, तो मुझे 60 kilometer per hour चलाना पड़ेगा. And जैसे मैं 60 kilometer per hour चलाऊंगा, right? Admin will catch me and throw me out from the township. Because the speed limit in township is 40 kilometer per hour. Am I correct? Right? You can tell me yes, everyone. So, moral of the story, time taken to cover a distance is inversely proportional to speed. If distance is constant, if you have to reduce the time, jaldi jaldi pahunch jana hai, to speed badhani padegi, and aaram se pahunchna hai, to speed kam. Time taken to finish a work is inversely proportional to the number of persons working at it. Ye example already maine aapko diya tha, right? Jab bhi maine aapko bola work ka hai, to aapko kisko yaad karna hai, jaldi jaldi bolo. Work ka hai, to kisko yaad karna hai? Yes, I am ma. Right? Chalo, mujhe ye batao. Time taken to finish a work is inversely proportional to the number of persons working in it. Check karte hain. Aapko time, yahan pe work fix hai. Work is your fix. Work is constant. Suppose, work hai aapka ek room saaf karna hai, right? Now, ek room saaf karne ke liye, ek classroom saaf karne ke liye, ek IMA ko aap kya likhte ho? Spelling kaise likhte ho? IMA, is it correct? पूछ रहा हूं, डोंट नो सर, हम बस बोलते हैं, लिखते नहीं है, ठीक है, अभी मान लो. तो एक आईएमआ को एक रूम साफ करने के लिए, हाँ, एक रूम साफ करने के लिए सपोज 2 आवर्स लग रहे हैं, राइट? 2 आवर्स में पूरा रूम साफ हो जा रहा है. क्यों 2 आवर्स लग रहे हैं? आप लोग कचरा इतना फैलाते हो, सारे कागज ऐसे रख के नीचे आ जाते हो पूरा. आईएमआ मुझे बोलती है, फिर मैं बोलता हूँ आप वो सब निकाल के हमें दे दो, अवंती ऑफिस में दे दो, हमें ऐसे ही सारी पेंस मिल जाती है. आप जो पेन छोड़ के आते हो ना वहां पे. चलो अगर मैं 2 IMA को बुला रहा हूँ, रूम वही है, साफ करना है, तो कितने आवर्स लगेंगे? 1 आवर. यस सर नो? प्रांजन इज देयर? आज प्रांजन भी नहीं है शायद. तो अगर 1 IMA को 2 घंटे लग रहे हैं, तो 2 IMA 1 घंटे में फिनिश कर देंगी. इज दिस क्लियर? You can tell me yes, everyone. And 1 IMA 2 hours and 2 IMA 1 hour. Yes, sir. Okay. तो ये दोनों example पहले note down कर दो, क्योंकि ये दोनों example important है. Right? From this, just note down these 2 examples so that we can see questions now. Oh yes, Pranjan is here. After this chapter, now only 2 chapters left, 15 and 16, right? बोलो आसान आसान chapters है ना ये सब, everyone? Load नहीं लग रहा है ना कुछ?
टफेस्ट चैप्टर वो स्पेक्टराइजेशन करा रहा था, तभी मैं बोल रहा था कि उसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देखना, आपको डॉक्टर बनना है, पर अभी तो आप सब डॉक्टर बन गए राइट, ऑप्टो फैक्टराइजेशन आपसे डरता है, कल मेरे सपने में आया तो मुझे बता रहा था सर ये क्लास 8 वाले बच्चे अवंती तोड़ना गलोगे, मुझे तो अलग अलग इंजेक्शन मार रहे हैं, ये मेथड से करते हैं पहले, ये मेथड से करते हैं, पहले पूरा आइडेंटिफाई करते हैं दो टर्म है कि तीन टर्म है, दो टर्म में कैसे करना है, तीन टर्म में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मुझे इतना स्प्लिट करते हैं इतना स्प्लिट करते हैं, बहुत दर्द करता है, उससे नहीं होता है तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, फिर फोर टर्म्स में देखते हैं टू टर्म्स है कि थ्री टर्म्स है। मैंने बोला तो मेरे स्टूडेंट्स हैं नहीं, एवरीवन थोड़ा रहम करो फैक्टराइजेशन चैप्टर पे, बेचारा रोता है। चलो 13.2, कैन यू सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? जैसे 13.1 में था आपको आइडेंटिफाई करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके साफ़वान, द नंबर ऑफ व्हील्स इन अ व्हीकल एंड स्पीड ऑफ व्हीकल। चलो नंबर ऑफ व्हील्स एंड स्पीड, अगर आप मुझे ये बताओ कोई व्हीकल को आप चला रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर से, हाँ या ना, जैसे मैं टू व्हीलर को चला रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर, दो व्हील है, फोर व्हीलर जिसके पेट्रोल की स्मेल आपको बहुत पसंद है, आपके पापा चला रहे हैं उसको 40 किलोमीटर पर आवर से, तो उस व्हील से कुछ लेना देना है क्या 40 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना? या कभी आप ऑटो में जा रहे हो एक टाउनशिप से दूसरे टाउनशिप में, हाँ या ना? एवरीवन बोलो, कुछ रिलेशन है व्हील में या स्पीड में? नॉट एट ऑल। मुझे ये बताओ टू व्हीलर का स्पीडोमीटर आपने देखा है, टू व्हीलर का स्पीडोमीटर एंड फोर व्हीलर का स्पीडोमीटर ऑलमोस्ट सेम है थोड़ा, अगर टू व्हीलर का स्पीडोमीटर आपका मैक्सिमम 100 किलोमीटर दिखा रहा है तो फोर व्हीलर आपको 120-140 दिखाएगा, दैट्स इट। ये नहीं कि टू व्हीलर आपका 100 किलोमीटर तक जाता है तो फोर व्हीलर आपका 400 किलोमीटर तक जाएगा, उस हिसाब से तो बस में तो सिक्स व्हील होते हैं, वो तो 600 किलोमीटर पर आवर बस ड्राइवर राइट, ट्रक KGF 4 KGF 6 वहीं से आ जाएगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ व्हील्स एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल, इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, नंबर ऑफ व्हील्स क्यों होते हैं? नंबर ऑफ व्हील्स होते हैं आपके वेट को बैलेंस करने के लिए। अब रिक्शा में तो आपको पता ही है आगे एक ही ड्राइवर बैठता है, पीछे बहुत सारे बैठते हैं, तो बैलेंस करने के लिए तीन व्हील, कार में पापा मम्मी पीछे आप लोग, चार पांच लोग तो ऐसे ही हो जाते हैं, तो ज्यादा व्हील। यस, नाइदर डायरेक्टली नॉर इनवर्स। द टाइम टेकन एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल इफ डिस्टेंस इज फिक्स, तो वो तो अभी हमने देखा डिस्टेंस फिक्स है, फटाफट पहुंचना है, जल्दी ब्रूम 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 राइट, एंड आराम से जाना है तो आराम से, that you can do in your cycle, the time taken and the speed of the vehicle if distance is fixed, yes inversely proportional, age of man and his weight। chalo mujhe batao, jaise jaise age badh rahi hai, aap apna hi example dekh lo, apna example dekh lo, lockdown se pehle pichle saal jab aap 12 years ke the correct, abhi aap 13 years ke ho gaye, age weight badh gaya sabka। acha purva right, वेट बढ़ गया सबका, क्यों? डेफिनेटली सर, लॉकडाउन था, घर पे बैठे थे, खाया पिया ऐश किया और क्या, सब नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम सब खत्म किया आप लोगों ने, नहीं हमें आशीष सर के रिकॉर्डिंग तो देखने ही नहीं है, उनके यूट्यूब पे तो व्यूज बढ़ाने नहीं है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम तो नेटफ्लिक्स एंड चिल, एम आई करेक्ट? सो देयर इज नो रिलेशन एट ऑल, एम आई करेक्ट? राइट, एज एंड वेट, जैसे आपका बड़ा है किसी और का कम भी हुआ हो, नो रिलेशन। द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन अ कंटेनमेंट, सॉरी कंटेनमेंट एंड नंबर ऑफ डेज व्हेन फूड स्टॉक एंड अमाउंट ऑफ फूड सर्व्ड पर सोल्जर इज फिक्स्ड। चलो ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ यस प्रांजन, चलो मान लो कि एक कंटेनमेंट है आपके पास, राइट एक कंटेनमेंट है, यस ये आपके ऐसे वन एग्जाम में आया था जो मैंने डिलीट करवा दिया था, जहाँ पे नंबर ऑफ सोल्जर्स आपके फिक्स हैं, राइट
सपोज यहाँ पे ये ऐसा मान लो कि एक हॉस्टल में आप खाने के लिए जा रहे हो, राइट, तो मान लो कि यहाँ पे सोल्जर्स फिक्स हैं कि 10 सोल्जर्स यहाँ पे खाना खा रहे हैं ना, या यहाँ पे आपको बोला गया कि नंबर ऑफ सोल्जर्स, मतलब वो वेरी करेंगे तो क्या होगा, राइट, दिस इज योर नंबर ऑफ सोल्जर्स, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज. सपोज वो इंक्रीज करें, नंबर ऑफ डेज व्हेन फूड स्टॉक एंड अमाउंट ऑफ फूड स्टॉक पर सोल्जर इज फिक्स्ड, दो चीजें फिक्स हैं यहाँ मैस में, यहाँ पे सारा खाना पड़ा हुआ है, छुपा के रखा है सबने, राइट, दिस इज फिक्स, फूड इज फिक्स, क्यों छुपा के रखा है, सब आप ही के जैसे हैं, घर पे जाके तुरंत दिन में 10 बार तो फ्रिज खोलते हो, बोलो हाँ या ना, सब आपके मम्मी पापा ने सब बताया है मुझे, हाँ देखो आराम से बोल रहे हैं, हाँ सर. प्रांजन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन किसी का मैंने चेक ही नहीं किया था वो टाइम पे, राइट, बिकॉज वो डिलीटेड था इसलिए. हाँ तो मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि खाना फिक्स है एंड पर पर्सन कितना मिलेगा वो भी फिक्स है, राइट, आपके जैसा नहीं है कि भाई फ्रिज खोल के मिठाई आई तो मैं ही ज्यादा खा जाऊंगी, कोल्ड ड्रिंक आया तो मैं ही ज्यादा पी जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है, सबके लिए फिक्स, सो योर फूड इज फिक्स. अब पर सोल्जर को इतना ही मिलेगा कि भाई एक दिन आपको एक थाली मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं, राइट, यू आर गोइंग टू गेट वन मील पर डे लाइक दैट, सो दिस इज फिक्स, योर क्वांटिटी ऑफ फूड इज फिक्स. नाउ यू नीड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन सोल्जर्स एंड नंबर ऑफ डेज. चलो मुझे ये बताओ, अगर मान लू कि 100 सोल्जर्स खाना खा सके उतना खाना है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. इफ 100 सोल्जर्स खाना खा सके उतना खाना है, 10 सोल्जर्स वी आर हैविंग, तो वो कितने दिन तक चलेगा, राइट, सपोज वी आर हैविंग 10 सोल्जर्स, तो वो खाना 10 दिन तक चल सकता है, एम आई करेक्ट, बिकॉज एवरी डे 10 सोल्जर्स आर गोइंग टू इट. अब मुझे ये बताओ, 10 सोल्जर्स नहीं, अब 20 सोल्जर्स हैं, तो हर रोज खाना डबल यूज होगा, हाँ या ना, पहले हर रोज 10 सोल्जर्स खाना खाते थे, अब 20 खा जाएंगे, पहले 10 केजी खाना चला जाता था उनके पेट में, अब 20 केजी खाना जा रहा है, एम आई करेक्ट, हाँ या ना, तो 100 केजी ऑफ फूड कितने दिन चलेगा, 5 डेज, राइट, फिक्स फूड इज सपोज 100 केजी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एंड वी आर सर्विंग 1 केजी पर सोल्जर, एक सोल्जर को 1 केजी ले रहे हैं, दे रहे हैं. You can tell me yes, everyone. Please give me some response. So this is just your example. So tell me, this is your inverse proportion or not? Yes. Next, number of periods in a day and duration of each period in school. Bolo, yahan pe koi relation hai? Number of periods and duration of each period. Samajhna hai yahan pe? Haan. Aaram se. Step by step. चलो स्कूल में एक चीज तो फिक्स होती है, आपका जाने का टाइम और आने का टाइम, एम आई करेक्ट, बोलो जब आपके स्कूल चालू थी तब आप कब जाते थे एंड कब आते थे वापस, आप स्कूल कब जाते थे एंड वापस कब आते थे, क्विकली टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स या मुझे अनम्यूट करके बताओ जल्दी 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 जल्दी, बहुत लेट आंसर देते थे. 7 o'clock to 2 o'clock. तो कितने आवर्स होते हैं 7 to 2 में, 7 आवर्स, एम आई करेक्ट, उसमें मान लो कि 1 आवर तो आपका ब्रेक में चला जाता था, करेक्ट, छोटे छोटे मोटे मोटे ब्रेक जिसमें आप बहुत मस्ती करते थे, भागते रहते थे, कूदते रहते थे, 7 आवर्स माइनस 1 आवर इज इक्वल टू 6 आवर्स. अब सपोज आपकी स्कूल है 6 आवर्स की, राइट, अब वो 6 आवर्स में मुझे ये हर एक पीरियड का टाइम रखना है, नंबर ऑफ पीरियड सेट करने है, राइट, नाउ सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आपका एक पीरियड 1-1 आवर का होगा, 1 आवर पर पीरियड, तो कितने पीरियड्स बना सकता हूं मैं, 6, वेरी गुड. मैं आपको बोल रहा हूं कि हर एक पीरियड आपका हाफ आवर का होगा, कितने पीरियड्स बना सकता हूं, 12. सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर टाइम पर पीरियड इफ यू आर डिक्रीजिंग देन नंबर ऑफ पीरियड्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड और नॉट, यस और नो, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स, हाँ या ना, कुछ तो बोलो, राइट, है अच्छा क्वेश्चन, चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो ये सारी चीजें एवरीवन.
4:30 कोई दूसरी क्लास है देयर इज आज? टेल मी स्टूडेंट्स, आर यू हैविंग एनी अदर क्लास एट 4:30? नो सर. Quickly note down this. चाय नेक्स्ट हो गया, लिख दिया जल्दी, बोलो हाँ हो गया. यस सर, डन डन. Now see here. आगे बढ़े यहाँ से, बोलो हाँ. Yes, sir. Can you see this question number 2, everyone? जल्दी जल्दी आंसर दो, मैं तो 24 जनवरी मिलेंगे ना सबको मारूंगा. Now, question number 2. Observe the following table and find which pair of variables are in inverse proportion, right? कि कौन से pair inverse proportion में? चलो पहले मुझे बताओ, x increase हो रहा है कि decrease हो रहा है? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो. Increase. X increase हो रहा है, sure. Decrease. Y क्या हो रहा है? Increase. अब इनवर्स प्रोपोर्शन की दूसरी कंडीशन क्या है? अगर x डिक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए हर केस में. व्हाट इज द प्रोडक्ट इन फर्स्ट केस? 4 5 जा 200, 6 3 जा 180. प्रोडक्ट सेम है? सेम है ना? नो सर. 200 एंड 180 तो सेम होता है ना? नो सर. सिर्फ 20 का ही तो डिफरेंस है, इतना तो चलता है. 200 में आप 20 का डिफरेंस नहीं मानोगे, इतना तो चलता है डिफरेंस, राइट? समर्थ, इतना डिफरेंस तो चलेगा ना? नो सर. नहीं चलेगा, वेरी गुड. तो एक का डिफरेंस चल जाएगा, मान लो इधर 200 होता नहीं, 198 होता तो ये चल जाता? नो सर. नो सर. नो सर. चलो ठीक है, आपका भी नहीं, मेरा भी नहीं. 199. नो सर. 200. नो सर. 201 कर दो बस. नो सर. नो सर. Should be 200 only. Very good. कभी सब्जी लेने गए हो मम्मी पापा के साथ? हाँ सर. हाँ, ऐसे भावताल करते हो कि नहीं? कुछ विद्यानगर और अंदर जो टाउनशिप में देने आते हैं वो लोग तो कोई भावताल नहीं करते, कभी तोरना कलो लेने जाओ? Yes sir. X into Y. चलो अब यहाँ पे बताओ, ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? X इंक्रीज. Y इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Decrease. पहला तो आपका नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन. अब दूसरे केस में x into y मल्टीप्लाई करो. Isn't it 4800? Isn't this is also 4800? This is also 4800. This is also 4800. Oh my god, it is magic. सभी जगह पे सेम है, हाँ या ना?
सो बोलो क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है? यस सर। ओके क्विकली नोट डाउन दिस। भूमिका पता चल रहा है ना? भूमिका आर यू देयर? अमृता, अमृता नहीं है आज? भूमिका, वर्षा, राइट, सानवी, प्रांजन, आसान है? यस सर। यस सर। ग्रेट। थैंक यू रिवांश। चलो शुरू करें एवरीवन, ये हो गया, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 3। कैन यू सी दिस? टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली एंड के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, राइट? एक्स एंड वाई आपके इनवर्सली वेरी कर रहे हैं एंड योर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यस आई कैन सी प्रांजल नाउ। तो चलो अब मुझे बताओ, अगर x और y इनवर्सली वेरी कर रहे हैं तो k का रिलेशन क्या होगा x और y के बीच में? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं x into y equal to k, x by y equal to k, कि क्या लिख सकते हो? Yes, Shivansh, tell me. Sir, it will be x into y equals to k. Very good. X into y equal to k. Am I correct, everyone? Please give me some response, right? या फिर आप लिख सकते हो x is proportional to 1 upon y, x is equal to ky, right? Sorry, k by y, y is proportional to 1 upon x, y equal to k by x, like that. आसान है? बोलो जल्दी 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 बोलो हाँ एवरीवन, राइट? चलो यस सर। नाउ क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट। x equal to 6, y equal to 3/2, find the value of k. We need to find value of k, right? So here, can I say that k is nothing but your x into y, which is nothing but 6 into 3/2. 2 3s are 6, 3 3s are 9. K equal to 9. Clear hai? Bolo ha. Yes, bolo sir. Very much clear. Aur bapre, itna sara clear kaise kar lete ho? Bahut hoshiyar hai mere bachche. X equal to 9, K equal to 4, find the value of Y. अरे अब ये कैसे करेंगे? How we will do this? Tell me. X equal to 9, K equal to 4, Y equal to question mark. जल्दी 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 बोलो। X into Y equal to K or not? Yes, same concept. X into Y equal to K. Yes, Shivansh. अब यहाँ Y को मैं subject बनाऊँगा, that is K by X. K you are knowing, K is 9. Or k is given for here, it is different question. It is 4. X is 9 here. So it is nothing but 4/9. Right? Iske alawa aur koi simplification kar sakte ho? Nahi, not at all. 4/9. Bolo, aasan hai? Kaun hai Sanketi sister aa rahi hai? Wahan se? To? Billi aa rahi hai koi? Third homework. क्योंकि आपके सीनियर्स है ना नाइन्थ वाले, उनमें दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी पैट है किटीज, तो वो आ जाती हैं क्लास में। नहीं तेजस, सारे तो नहीं कर पाएंगे, राइट? मेजोरिटी। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर एवरीवन? Let us see question number 4. A
In a company, it requires 36 machines to produce a car in 54 days. How many machines would be required to produce the same car in 81 days? चलो अभी ये समझना. यहाँ पे पहले समझो क्या डेटा है. एक कंपनी है जिसमें नंबर ऑफ मशीन्स आपको रिक्वायर्ड है एक कार के लिए. आप तो फटाफट जाके कार लेके आ जाते हो, राइट? अरे 6 लाख की कार है, पापा मम्मी के साथ जाके लेके आओगे. बट उसके पीछे मेहनत देखो. एक कंपनी में 36 मशीन है तब जाके वो एक कार प्रोड्यूस होती है. हाउ मेनी डेज में? 54 डेज में, राइट? इफ 36 मशीन्स आर वर्किंग टुगेदर देन दे आर एबल टू प्रोड्यूस वन कार इन 54 डेज. नाउ हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम कार इन 81 डेज? ओके, नो तेजस वेट, यूनिटरी मेथड वॉन्ट वर्क हियर एवरीवन. डायरेक्टली यूनिटरी मेथड आप नहीं अप्लाई कर सकते. वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी बचपन तक क्लास 8 के बिगिनिंग तक आप यूनिटरी मेथड यूज कर रहे थे, या इस ये चैप्टर तक आने से पहले यूनिटरी मेथड यूज कर रहे थे. अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद वो यूनिटरी मेथड वाले सारे क्वेश्चन वापस एनालाइज करो. यूनिटरी मेथड इज एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन ओनली. वहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन था इसीलिए हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते थे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, वापिस रिपीट कर रहा हूँ. यूनिटरी मेथड इज एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन ओनली. If it is not direct proportion, you cannot apply unitary method. ये सब आप दिमाग में बांध दो अच्छे से. For direct proportion only, unitary method is applicable for direct proportion only. यहाँ तक क्लियर है? Right? Oh, I think मुझे वन नोट को क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा क्विकली. चलो अब मुझे पहले यहाँ पे ये बताओ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो फॉर यूनिटरी मैथड. Not unitary method. First tell me, this is your direct proportion or inverse proportion? ये IMA type वाला question है. IMA की जगह अब number of machines है. बोलो हाँ. कौन? IMA की जगह अब यहाँ पे आपके number of machines है. And IMA को एक room साफ करने के लिए हमें भेजा था. ये सारी number of machines क्या कर रही हैं? एक car बना रही हैं. बोलो बोलो हाँ या ना. चलो अब मुझे ये बताओ. अगर machines ज़्यादा रखोगी, तो car जल्दी बन जाएगी. Machines कम करोगी, तो कार बनने में टाइम लगेगा. हाँ या ना? बोलो जल्दी 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 जल्दी. तो यहाँ टाइम इंक्रीज हो रहा है, राइट? टाइम 54 से 81 में इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मशीन्स डिक्रीज होंगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज दिस इज एक्स. सो हियर गिवन डेटा इज इन, ओके शिवांश, इनवर्स प्रपोर्शन. गिवन डेटा इनवर्स प्रपोर्शन में. You can tell me yes, everyone. So here, 36 into 54 is equal to x into 81, right? Because inverse proportion mein toh product same ho jata hai, right? Apurva, Sanvi, Rohan, Tejas, Rajat, Jalim. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So if you make x as subject, x is equal to 36 into 54 divided by 81, right? Then what will be the value of x then? X is equal to, चलो 36 into 54 divided by 81, 9 4s are 36, 9 9s are 54, 6 9s are 54, 6 4s are 24, x equal to 24. देखो machines decrease हो गई, right? X equal to 24 हो गई machines. You can tell me yes everyone. आसान है, quickly tell me yes everyone, right? जल्दी जल्दी लिख दो. अच्छा questions है, अच्छा question है सर, बहुत अच्छा question है. जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7. टेल मी क्विकली. लिख लिया सबने? बहुत स्पीड है ना आप सबकी, तो तुरंत लिख दिया. इम्पॉसिबल, यू ऑल आर डूइंग मिशन इम्पॉसिबल नाउ. मुझे बात करनी पड़ेगी कि नेक्स्ट मिशन इम्पॉसिबल में मेरे बच्चों को लिया जाए मूवी में. वुड यू लाइक टू वर्क इन दैट? नो, निष्का इज टेलिंग नो. व्हाई यू आर नॉट लाइकिंग टू वर्क इन मूवीज? शिवांश इज रेडी, प्रांजन इज रेडी. एक काम करेंगे, वैकेशन वैकेशन में एक शॉर्ट मूवी बनाएंगे. यस, जेलिन इज रेडी.
ठीक है, निष्का इज नॉट रेडी, और कोई? यस, निष्का के फ्रेंड सांकेती, सांकेती रेडी है? हाँ, तो तब निष्का को रेडी होना ही पड़ेगा. ओके, सो ही विल मेक वन शॉर्ट मूवी इन वैकेशन, याद दिलाना, वैकेशन में नहीं बनाए तो फिर छूट जाएगा. यस, 2021 वैकेशन, एक दिन सब स्टोरी स्क्रिप्ट सोच के रखो सब दिमाग में, क्या बनाना है, क्या करना है. ओके, आई विल बी डायरेक्टर, मुझे भी हीरो लेना मूवी में, अकेले अकेले खुद ही मत बना लेना कि वो डायरेक्ट मुझे बोल रहे हैं, वो डायरेक्टर सर हमारे इधर से शूटिंग करो, इधर से करो, डायरेक्टर सर का क्या. चलो क्वेश्चन नंबर 5. 5 men can complete a job in 9 days. How many days will it take if 10 men do the same job? Chalo, yes Shivansh, jaldi jaldi batao. Agar job same hai, if job is same, to bolo yahan pe ye kaun se type ka question ho gaya? IMA wala ho gaya. Jaldi jaldi bolo. Job same hai, number of IMA increase kar rahe ho, number of days. So can you do this from homework? Okay. Question number 6. In a hostel of 40 boys, there is a food provision for 45 days. How long will this provision last if 10 boys went home? 10 बच्चे घर चले गए, अब 30 बच्चे बचे, right? 30 students are there. तो ये बटालियन वाला क्वेश्चन हो गया. Soldiers हैं बटालियन में, right? उनको खाना खाना है, 10 soldiers चले गए, अब तो खाना और चलेगा, right? Party party है, right? So this is your homework. Question number 7. 8 pipes take 1 hour 50 minutes to fill a tank, right? Suppose you are having one tank. टोटल 8 पाइप हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट? 8 पाइप्स मिलके ये पूरी टैंक फिल कर रहे हैं 1 hour and 50 minutes में. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सेम टैंक इफ 11 पाइप्स डू द सेम टाइप, राइट? 11 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड. 8 पाइप की जगह आप 11 पाइप यूज कर रहे हो, IMA वाला क्वेश्चन हो गया. बस आप ये समझो कि ये पाइप IMA लेके खड़ी है, राइट? पहले 8 IMA थी, अब 11 IMA हो गई है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट देयर वर 8 IMAs, नाउ देयर आर 11 IMAs. तो अब मुझे बताओ कि वो जल्दी भर जाएगा, राइट? टाइम रिक्वायर्ड विल बी लेस और नॉट? इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन? इनवर्स, राइट? सो दिस इज आल्सो IMA टाइप, बट वी विल डू इट हियर ओनली. हियर नंबर ऑफ पाइप्स एंड टाइम रिक्वायर्ड to fill a tank. If number of pipes are x, not x, 8 only, then time required to fill a tank is 1 hour 50 minutes. If number of pipes are 11, then what will be the time required? Is aap kuch bhi naam de sakte ho, suppose b naam de do. Okay, chalo 1 hour 50 minute ko koi bhi ek hi unit mein convert kar do. Okay, नहीं, 8 पाइप टेक 1 आवर 50 मिनट्स टू फिल द टैंक ना, तो इसे आइदर आप मिनट में कन्वर्ट कर दो या आवर में कन्वर्ट कर दो, मिनट विल बी बेस्ट, राइट? सो हियर यू कैन राइट लाइक दिस, 1 आवर 50 मिनट. 1 आवर मतलब कितने मिनट होते हैं, टेल मी, 100 मिनट्स होते हैं ना? 1 आवर इक्वल टू 100 मिनट्स, राइट निष्का? सर 60. हां, अभी निष्का 100 बोलने ही वाली थी, राइट निष्का? नहीं, सो 60 प्लस 50, दिस इज 110 मिनट्स, राइट गॉस? इज दिस क्लियर गॉस? के कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया गॉस. 100 मिनट होता है, 1 आवर मतलब 100 मिनट होता है, मेरी घड़ी में तो 100 मिनट है, देखो डिजिटल घड़ी 100 होता है, राइट गॉस? जो एनालॉग वॉच यूज करते हैं, एनालॉग वॉच, उसमें 60 मिनट होता है, डिजिटल में तो 100 मिनट होता है ना, राइट? रजत, whether you are using digital or analog, it is 60 minute only, right? So this is 110 minutes. So here given data is in direct proportion or inverse proportion? Here proportion. So therefore 8 upon 110 equal to 11 by b. So b ko aap subject bana rahe ho, 11 into 110 divide by 8. Am I correct? You can tell me yes. Nahi Shivansh, nahi. So yahan pe aapka b kya ho jayega, right? Decimal mein aayega answer, check.
find this answer in decimal? minutes. जैसे आवर्स में आपको कन्वर्ट करना हो तो देयर इज 120 आवर्स सॉरी 120 मिनट्स प्लस हाँ वही तो यस रोहन इज टेलिंग सर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन देन व्हाई वी हैव डिवाइडेड वी शुड मल्टीप्लाई ना मैं भी वही सोच रहा था ऐसा तो कोई क्वेश्चन था नहीं कि जिसका टाइम डेसिमल में आंसर है सो दैट वॉज मिस्टेक फ्रॉम माई साइड सो हियर A into B is equal to A into B. That means 8 into 110 is equal to 11 into B. So B is equal to 8 into 110 divided by 11. 11 tens are 10. B equal to 80 minutes. So 80 minutes is nothing but 60 minutes plus 20 minutes. 1 hour 20 minutes. Do it quickly. Jaldi jaldi likh do. And mujhe fatafat batao absentees kaun kaun hai quickly. Yes. Rishi, Praveen, then. I need name of five students. Nahi, Safwan present tha. Uska net fluctuate kar raha tha.